सांवले सपनों की याद। तो इस स्टोरी को जाबिर हुसैन जी ने लिखा है और उन्होंने ये स्टोरी अपने एक फ्रेंड की याद में लिखा है जिनका नाम था सालिम अली, जो कि एक बहुत ही बड़े पक्षी प्रेमी थे, यानी कि एक बर्ड लवर थे। ओके, तो होता क्या है कि जो लेखक हैं यानी कि जाबिर हुसैन जी, उनको अपने फ्रेंड सालिम अली की मृत्यु पर बहुत दुख पहुंचता है, उनको बहुत ही धक्का लगता है अंदर से। तो वो ये स्टोरी लिखते हैं जिसमें उन्होंने अपने फ्रेंड के बारे में बताया है। तो लेखक कहते हैं कि सालिम अली जो थे वो हर रोज़ पक्षियों को लेकर कुछ सपने बुनते रहते थे, अपने मन ही मन कुछ सपने बुनते रहते थे। तो वो कहते हैं कि आज उनकी मौत के साथ वो सारे सपने जो है वो दफन हो गए हैं। अब क्योंकि सालिम अली की मृत्यु हो गई है तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उनकी बॉडी को लेकर यूँ तो हज़ारों लोग जा रहे थे, लेकिन उस भीड़ में सालिम अली सबसे आगे चल रहे थे। और लेखक को ऐसा लग रहा था मानो किसी सैलानी यानी कि कोई घूमने फिरने वाले लोग जो होते हैं, जो हमेशा ट्रैवलिंग करते हैं, उनको सैलानी बोलते हैं। तो लेखक कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि कोई सैलानी यानी कि कोई घूमने फिरने वाला व्यक्ति एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़ा हो जो कभी ख़त्म ना होगी। यह उनका आखिरी सफ़र था और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पक्षी अपने जीवन का आखिरी गीत गाकर अंतिम सफ़र पर निकल पड़ा है। अब कोई भी इंसान अपने दिल की धड़कन देकर भी उस पक्षी को कभी वापस नहीं ला सकता, क्योंकि मरा हुआ इंसान कभी वापस नहीं आ सकता। भले आप कितनी कोशिश कर ले, लेकिन उनकी यादें हमेशा लोगों को कभी हंसाती हैं तो कभी रुलाती हैं और कभी कभी दुख भी पहुंचाती हैं। यही दुख पहुंचाने वाली यादों को यहाँ पर सांवले सपने कहा गया है। तो ध्यान से सुनना, तो यही जो दुख पहुंचाने वाली यादें होती हैं उन्हें यहाँ पर सांवले सपने कहा गया है। सालिम अली हमेशा कहा करते थे कि प्रकृति और पक्षियों को मनुष्य की नज़र से देखना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। तो सालिम अली ऐसा क्यों कहा करते थे? क्योंकि जो पक्षी है, प्रकृति है, वो मनुष्य से भी बड़े हैं उनके लिए। ओके, तो सालिम अली कहा करते थे कि प्रकृति और पक्षियों को मनुष्य की नज़र से देखना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। आगे लेखक कहते हैं कि पक्षियों का नाम सुनते ही सालिम अली का नाम अपने आप जुबान पर या दिमाग में आ जाता है, क्योंकि वो बहुत ही बड़े पक्षी प्रेमी थे इसलिए। तो लेखक कहते हैं कि यह ठीक वैसे ही है जैसे वृंदावन का नाम सुनकर कृष्ण का नाम खुद ब खुद दिमाग में आ जाता है, ठीक वैसे ही जब भी हम पक्षियों की बात करते हैं तो सालिम अली का नाम खुद ब खुद दिमाग में आ जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे तुम लोग को फ़ोन का नाम सुनकर इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब, इन सब का नाम याद आ जाता है, ठीक वैसे ही लेखक को पक्षियों का नाम सुनकर सालिम अली की याद आ जाती है। बाय द वे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यारो तुम्हारा एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे कितना मोटिवेट करता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मैं कितना टाइम निकाल कर तुम्हारे लिए वीडियोस बनाती हूँ और अच्छे से बनाती हूँ ताकि तुमको समझ में आए। ओके, तो मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। वैसे अगर तुम लोग को कोई पोर्शन समझ में नहीं आता है तो तुम लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लेखक जो है वो एक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जैसे वृंदावन का नाम सुनकर कृष्ण का नाम खुद ब खुद याद आ जाता है, ठीक वैसे ही लेखक को पक्षियों का नाम सुनकर सालिम अली की याद आ जाती है। वृंदावन में कब कृष्ण ने गोपियों की मटकी तोड़कर माखन खाया होगा, या कब गोपियों के संग रास रचाया होगा, या अपनी मधुर मुरली की धुन से ग्वाल बालों को मोहित किया होगा, यह किसी ने नहीं देखा, मगर आज भी वृंदावन का नाम आते ही कृष्ण का ध्यान खुद ब खुद आ जाता है।
और आज भी यमुना के उस काले पानी को देखकर ऐसा लगता है मानो अभी अभी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए कहीं से आएंगे और सारे वातावरण में बांसुरी की मधुर धुन फैल जाएगी। सच में वृंदावन और कृष्ण एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। उसके बाद लेखक सालिम अली के जीवन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सालिम अली दुबले पतले मरियल से व्यक्ति थे। तो सालिम अली कैसे थे दिखने में, यहाँ पर लेखक ने बताया है वो एकदम दुबले पतले और मरियल से व्यक्ति थे। सालिम अली ने बहुत ज़्यादा यात्राएं की जिससे उनका शरीर थक चुका था। यात्राओं के कारण उनका शरीर दुर्बल भी हो गया था। तो लेखक कहते हैं कि सालिम अली जो थे उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की थी और उन यात्राओं के कारण उनका शरीर जो है वो थक चुका था, वो एकदम दुर्बल हो गया था। लेकिन पक्षियों को खोजने के लिए या उनके बारे में जानने के लिए उनके पास हमेशा दूरबीन रहा करती थी जो या तो उनकी आँखों पर लगा हुआ रहता था या उनके गर्दन में लटकी हुई रहती थी, पर हमेशा दूरबीन उनके पास ही रहती थी और उनकी आँखें हमेशा दूर दूर तक फैले आकाश में पक्षियों को ही ढूंढती रहती थी। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता हुआ अद्भुत संसार दिखाई देता था। आगे लेखक कहते हैं कि उन्हें कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई थी और यही रोग उनकी मृत्यु का कारण बना। 100 साल की आयु पूरा करने से कुछ ही समय पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी तहमीना उनका बहुत ध्यान रखती थी। तहमीना उनकी सहपाठी भी रह चुकी थी, यानी कि जो उनकी वाइफ थी तहमीना वो उनकी स्कूलमेट भी रह चुकी थी। सालिम अली को बर्ड वाचर के नाम से जाना जाता है और सालिम अली के बर्ड वाचर बनने के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। दरअसल क्या होता है कि बचपन में उनके मामा उन्हें गिफ्ट के रूप में एक एयर पिस्टल लाकर देते हैं। एक दिन हंसी खेल में उन्होंने अपने घर की छत में बैठी एक गौरैया को उस एयर गन से निशाना बनाया, जिससे क्या हुआ कि वो गौरैया घायल होकर नीचे गिर पड़ी। घायल गौरैया को देखकर सालिम अली को बहुत दुख हुआ। उसके बाद उन्होंने गौरैया की खूब देखभाल की। गौरैया मतलब स्पैरो। नीले पंखों वाली उस गौरैया ने उनके जीवन को ही बदल दिया और वो बर्ड वाचर बन गए। तो इस घटना का जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा फॉल ऑफ अ स्पैरो जो कि सालिम अली ने लिखा है उसमें भी उन्होंने किया है। लेखक को सालिम अली को देखकर अंग्रेजी उपन्यासकार लॉरेंस की याद आ जाती है, क्योंकि लॉरेंस भी प्रकृति प्रेमी थे। तो क्या होता है कि जब लॉरेंस की मृत्यु हुई थी तब लॉरेंस की जो वाइफ थी फ्रीडा, उनसे जब मीडिया ने पूछा कि आप लॉरेंस के बारे में कुछ बताइए, तब फ्रीडा जो है वो कहती है कि मुझसे ज़्यादा लॉरेंस के बारे में हमारे घर पर बैठी गौरैया जानती है। वो प्रकृति प्रेमी थे, उन्हें छत पर बैठी गौरैया व प्रकृति से ही अपना साहित्य लिखने की प्रेरणा मिली थी, अपनी साहित्य लिखने की प्रेरणा मिली थी। लॉरेंस हमेशा कहते थे कि जो इंसान होता है वो उखड़े हुए पेड़ की तरह होता है जिसकी शाखाएं हवा में लटक रही हैं। यहाँ पर लॉरेंस यह कहना चाहते थे कि हमें प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए और प्रकृति और पशु पक्षियों को बचाने का प्रयास करते रहना चाहिए। लेखक आगे कहते हैं कि सालिम अली पक्षी जगत में एक सागर की तरह थे, ना कि टापू की तरह, क्योंकि टापू की अपनी सीमाएं होती है और सागर असीमित होता है, उसकी कोई सीमाएं नहीं होती है। सालिम अली केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्तानी तूफान से बचाना चाहते थे और वो इस सिलसिले में उस समय के जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह उनसे भी मिल चुके थे। उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी से कहा कि साइलेंट वैली को रेगिस्तानी तूफान से बचाना बहुत ज़रूरी है, वरना साइलेंट वैली उजड़ जाएगी, हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। तूफान के बाद पक्षी उस तरफ नहीं जाएंगे
और जानवर भी वहाँ से भाग जाएंगे और वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी खत्म हो जाएगा। इसलिए साइलेंट वैली को बचाना बहुत ज़रूरी है। चूँकि चौधरी चरण सिंह गांव में जन्मे हुए थे और गांव की मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे, इसलिए यह बात सुनकर चौधरी चरण सिंह की आंखों में भी आंसू आ गए। लेखक आगे कहते हैं कि आज पक्षी प्रेमी सालिम अली जिंदा नहीं है तो इन पक्षियों की चिंता कौन करेगा। लेखक कहते हैं जितने भी पक्षी प्रेमी हैं और दूसरे लोग हैं, उनको यकीन नहीं हो रहा है कि अब सालिम अली हमारे बीच नहीं है। तो डेट्स इट, यहीं पर हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। काफ़ी ही इमोशनल थी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और अगर तुम लोग को कोई भी डाउट है चैप्टर से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किन किन को एनिमल्स पसंद है, बर्ड्स पसंद है, और किन किन को नेचर पसंद है। ओके, तो चलो देखते हैं कि कितने लोग कमेंट करते हैं।